हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे। आप लोगों ने मुझे बहुत कमेंट किया कि भैया प्लीज, आप लोगों ने लेटर के लिए तो बना दिया, एप्लीकेशन के लिए भी फॉर्मेट बता दिया, हमें एक ना नोट मेकिंग का ऐसा आसान सा ट्रिक बता दो कि हम लोग ना कभी लाइफ टाइम में नोट मेकिंग समरी में ना फंसे। अच्छा जी, फिर आपका भाई अपने के लिए क्यों ना बनाए भाई वीडियो है? इतने अच्छे से आप लोग डिमांड करोगे, इतने अच्छे से मुझे कमेंट कर करके बोलोगे कि प्लीज प्लीज बनाई दो, तो भाई जरूर बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो। तो देखो, इस वीडियो में थोड़ा सा मैं बोलूंगा, वीडियो ना थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन अगर ये वीडियो पूरा देख लोगे ना, मेरी गारंटी है, गारंटी है कि आप लोगों को नोट मेकिंग समरी कभी डाउट नहीं क्रिएट करेगी, ठीक है ना। देखो अभी आता कितने मार्क्स का, तो मैं आपको बोलूंगा ये ना आपको 7 मार्क्स देके जाने वाला है। ओहो मजे आ गए भाई, 7 मार्क्स मिलने वाले हैं। देखो 7 मार्क्स ना डिवाइडेड है, नोट मेकिंग आएगा तो वो आएगा 3 मार्क्स का, फिर उसी में समरी आएगा तो वो आएगा 3 नंबर का। और अगर यहाँ पे आप लोगों को और एक चीज ऐड कर देता है वो कभी टाइटल, तो ये जो आपका टाइटल होगा ना, टाइटल जो होगा ये होगा आपका 1 मार्क्स का। कितने का होगा ये? 1 मार्क्स का होगा। तो आपके ऐसे टोटल 7 मार्क्स हो जाते हैं। नोट मेकिंग होती क्या है समझो, अगर हम कोई भी पैसेज पढ़ रहे हैं, पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो भी हमें इंपॉर्टेंट चीज लगती है उसको ही नोट डाउन करना, या जो भी हमारे लिए यूजफुल है उसी चीज को नोट डाउन करना क्या कहलाता है? नोट मेकिंग कहलाता है। नोट करना किसी भी चीज को क्या करना? नोट करना, यही हमारे लिए क्या कहलाता है? नोट मेकिंग कहलाता है। फिर हम उसको लास्ट में समराइज कर देते हैं तो समरी हो जाती है। टाइटल क्या होता है? जैसा आपने देखा होगा कि भाई अगर कोई भी वीडियो चल रही है उसके पहले एक टाइटल आता है, ठीक है ना, यानी कि उसका टॉपिक क्या है। टाइटल मतलब होता है आपके पास में टॉपिक, मैंने आपको एक बात बताया टाइटल, ठीक है ना। टाइटल, टाइटल का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से टॉपिक, कि उसका टॉपिक क्या है, ठीक है ना, ये बात बताई जाती है। देखो व्हाई मेक नोट्स, मैंने आपको बता दिया कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों को चाहिए होता है, रिवीजन करना है, दोबारा से उसको पढ़ना है, याद करना है, इन सभी चीजों के लिए नोट्स बनाना जरूरी होता है। आप भी अपने जीवन में नोट्स बनाते हो ना। देखो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स हैं हमारे पास में, एक एक रुपए के ऐसे बहुत सारे 10 कॉइन्स है मान के चलो, ठीक है ना, ऐसे 10 कॉइन्स है। अब ये 10 कॉइन्स के बदले अगर मैं बोलूं भाई कि एक आप लोग 10 रुपए का नोट रख लो तो क्या दिक्कत है भाई? ये आपको एक ही कैरी करना पड़ेगा, तो वैसे ही होता है नोट, ठीक है ना। अब इतनी बड़ी किताब है, इतनी बड़ी किताब तो हम पूरी अपने पास में रख के ऐसा पूरा हर एक पेज को पलट नहीं सकते, तो उससे अच्छा हम लोग नोट्स बना लेते हैं, ठीक है ना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें आती है कि प्रोसीजर क्या होता है नोट मेकिंग का, ठीक है ना, प्रोसीजर जान लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रोसीजर, ठीक है ना। प्रोसीजर क्या है इसका, सबसे पहले ध्यान से सुनना, ये अगर समझ में आ गया आप लोग को तो नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो रीड रीड द पैसेज प्रोवाइडेड, जो भी आपको पैसेज दिया गया है क्वेश्चन में उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरी बात, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, इट हेल्प टू मेक हेडिंग एंड सब हेडिंग। क्या बात कही गई है सेकंड में, मैंने पहले आपको कहा कि रीड करना अच्छे से पैसेज को, आप जो भी पैसेज आपको दिया जाता है उसे अच्छे से आप लोग रीड कर लो। दूसरी बात, वहां पर अंडरलाइन करना स्टार्ट करो सेंटेंसेस को, वो आपकी हेल्प करेंगे किसमें? हेडिंग और सब हेडिंग बनाने में। फिर मैं कर रफ नोट, फिर आपको एक रफ नोट बनाना है उसी का, आपको पूरा एकदम कॉपी में जैसे कि आंसर लिखना है वैसा नहीं करना है, पहले आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर के लिए रफ नोट बना लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप लोग? ऑर्गेनाइज लॉजिकल ऑर्डर एंड सिक्वेंस। आप लोग क्या करोगे, फाइनल जो भी आपका आंसर लिखोगे उसके लिए आपको सिक्वेंस सेंटेंसेस का पता हो जाए, ऐसा आपको करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, एक फॉर्मेट का यूज करना है। अब देखो ये जो फॉर्मेट है ना बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है भाई, ठीक है ना। किसी भी चीज का अगर हमें फॉर्मेट याद है ना, फॉर्मेट हमें 90% चीजें सीक्वेंस में दिला देती है, ठीक है ना। देखो अगर आपको किसी भी चीज का फॉर्मेट पता है तो कभी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी पैसेज आपको आइडिया दे रहा है, ये मैसेज दे रहा है, उस मैसेज को चेंज नहीं करना है। अब सपोज करो आपको जो है आपका पैराग्राफ बता रहा है टेलीविजन के बारे में, और आपने अपने नोट में बता दिया भाई मोबाइल फोन के बारे में, या फिर आपने बता दिया क्या सैटेलाइट के बारे में, तो गलत हो गया ना, वो तो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा था। तो जो भी आपका पैसेज आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको वो इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं करनी है, ये बात समझ में आ गई। तो प्रोसीजर में क्या समझ में आया कि रीड द टेक्स्ट फॉर ओवरऑल आइडिया, आपको ना टेक्स्ट को रीड करना है ओवरऑल आइडिया के लिए कि भाई कहना क्या चाहता है वो, इससे आपको हेडिंग मिल जाएंगी, ठीक है ना। रीरीड द पैसेज फॉर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको दोबारा फिर पढ़ोगे तो क्या मिल जाएगा? सब हेडिंग पता चल जाएगी, हेडिंग के अंदर आती है सब हेडिंग, ठीक है ना। फिर इसके बाद में आप लोग क्या करोगे, गेट डाउन, आपको सपोर्टिव पॉइंट्स मिल जाएंगे, यानी कि सब पॉइंट्स मिल जाएंगे जो सब हेडिंग के अंदर आएंगे, ठीक है ना। फिर एवरेज द पॉइंट्स इन द सिक्वेंस, जब आप सारे पॉइंट्स को एक एवरेज में लोगे और सिक्वेंस में जमाओगे तो आपको ड्राफ्ट मिल जाएगा, ठीक है।
ये बातें आपको समझ नहीं आ रही होंगी, मानता हूँ जब हम लोग एक पैराग्राफ बनाएंगे ना, जब हम उसका समरी बनाएंगे, तो आपको बहुत आसानी से सब समझ में आएगा। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल भी कराने वाला हूँ, डोंट वरी, मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल भी दूंगा करा के, तो उससे आपको सारा आइडिया लग जाएगा। लेकिन मैं ये जितनी बातें बता रहा हूँ ना, ये आपका 100% तय करेगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो पैराग्राफ पढ़ रहे हो वही पेपर में आए, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। पेपर वाला तो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा पैराग्राफ देना है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अगर एक आइडिया लग जाएगा, आपको एक बेसिक से अच्छा सा फॉर्मेट पता चल जाएगा, तो दुनिया का पैसे जाए ना, आप बना लोगे नोट मेकिंग समरी। चलो ये बात समझ में आ गई, ये सारे पॉइंट्स हैं, वही मैंने आपको जो बताया है कि भाई यहाँ पे ना कुछ कुछ पॉइंट्स आप याद रखो कि यहाँ पे करना क्या नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं करनी। देखो, अवॉइड यूजिंग लॉन्ग सेंटेंसेस, आपको ना लॉन्ग सेंटेंसेस यूज नहीं करने, ठीक है। फिर नेवर लोज द मेन आइडियाज ऑफ द पैसेज, मेन आइडिया को चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। इग्नोर इंफॉर्मेशन दैट इज लेस लेस इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ऐसी इंफॉर्मेशन को आपको इग्नोर कर देना है जो बहुत कम इंपॉर्टेंट हो, ठीक है ना। फिर आपको लॉजिकल सिक्वेंस में जमाना है सारी चीजें, ठीक है ना। इसके बाद ज्यादा स्पेस भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट वाली, अभी आपको पैराग्राफ बनाएंगे तब समझ में आएगी, ठीक है। देखो, फिर सिंबॉल का यूज करना है, ठीक है। सिंबॉल बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है यहाँ पे, और एक है शॉर्ट फॉर्म, मैं आपको बोलूंगा शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना। शॉर्ट फॉर्म आप इसको भी ध्यान में रख लेना कि भाई शॉर्ट फॉर्म और आप लोगों का सिंबॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, ठीक है ना। अब देखो बेसिक फॉर्मेट क्या होता है नोट मेकिंग का, इससे ना आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना, ठीक है। इसी से सारे का सारा आपका नोट मेकिंग बनेगा। देखो, नोट मेकिंग का अगर हमें फॉर्मेट बनाना है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले आता है हेडिंग, सबसे पहले क्या पार्ट आता है आपका, हेडिंग वाला पार्ट आता है, ठीक। आपके हेडिंग वाले पार्ट में क्या आएगा, इसी के अंदर में आएगा सब हेडिंग वाला पार्ट, ठीक है ना। क्या आएगा आपके पास में, सब हेडिंग वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक। हेडिंग आया, हेडिंग या टाइटल, हेडिंग या टाइटल के अंदर क्या आएगा आपके पास में, सब हेडिंग। सब हेडिंग के अंदर में आप लोग पॉइंट्स लिखोगे, जैसे मान के चलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, टेलीविजन के बारे में लिख रहे हैं, या फिर मोबाइल फोन के बारे में लिख रहे हैं, तो हमारा हेडिंग क्या हो गया, मोबाइल फोन, ठीक है। सब हेडिंग क्या हो जाएगा, यूजेज ऑफ मोबाइल फोन। अब हम पॉइंट्स में क्या डालेंगे कि कहाँ कहाँ यूज होता है, सोशल मीडिया, स्टडी, ये सब, ठीक है। फिर इसके बाद में सेकेंड सब हेडिंग जो आएगी वो आ जाएगी मान के चलो डिसएडवांटेजेस, ठीक है ना। आ गया समझ में। फिर इसके भी हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे। तो अभी जो तो सेकेंड सब हेडिंग आई है ना, इसमें हम लोग एडवांटेजेस के पॉइंट नहीं बता सकते कि भाई सोशल मीडिया में यूज हो रहा है, ठीक है, एजुकेशन में यूज हो रहा है, ऐसे नहीं बता सकते, कम्युनिकेशन में यूज हो रहा है। अब हम यहाँ पर डिसएडवांटेजेस बताएंगे, क्या बताएंगे हम लोग यहाँ पर, डिसएडवांटेजेस बताएंगे। तो डिसएडवांटेजेस में हम लोग क्या बताएंगे, इट इज हार्मफुल फॉर आवर आईज, ठीक है ना, आवर हेल्थ, इन्वायरमेंट, ये सब। अगर हमें लगता है भाई कि इन्वायरमेंट के अंदर भी अगर हम लोग कुछ और पॉइंट्स बता सकते हैं, तो हम लोग फिर ऐसे 2.21 ऐसा करके पॉइंट्स का भी सब पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई, फिर ऐसे ही हम लोगों को पॉइंट्स मिलते जाएंगे, हम लोग लिखते चलेंगे, ठीक है। फिर हमें थर्ड पॉइंट मिलेगा मान के चलिए एनवायरमेंट इफेक्ट, ठीक है ना। क्या है, नीड लिख सकते हैं कि मोबाइल फोन की नीड क्या है, फिर इसके अंदर हम लोग बता सकते हैं अगर नीड है तो कैसे है, ये सब चीजें। तो हम लोग ऐसे पॉइंट्स लिखते लिखते चलेंगे, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा, सिक्वेंस यही रहेगा। लेफ्ट साइड पर बीचों बीच में तो आपका टाइटल या हेडिंग आ जाएगा, फिर उसके नीचे आ जाएगा सब हेडिंग, फिर एकदम थोड़ा सा साइड हट करके क्या आएगा, पॉइंट्स लिखेंगे। तो ये फॉर्मेट बस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मेट का जल्दी से ना स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो ठीक ले लिया, चलो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अब देखो हम लोग नोट मेकिंग क्यों करते हैं, देखो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू टेक नोट्स, देखो हेल्प टू रिमेंबर, ये अपनी लाइफ में भी यूज हो सकता है, ठीक है ना। ये हमें ऐसे बनाने में भी हेल्प आएगा। देखो जब भी हमें कोई चीज याद करनी है तब भी हमें क्या होगा, हेल्प टू रिमेंबर, ठीक है, याद करने के लिए हेल्प रहेगा। दूसरा, इंप्रूव योर कंसंट्रेशन लेवल, जब आप नोट बनाएंगे बुलेट पॉइंट्स लिखते चलेंगे तो आपको याद करने में हेल्प मिलेगी, कंसंट्रेशन अच्छा होगा, जैसे आप उसे हाईलाइट पॉइंट को देखोगे आपको सारी चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। हेल्प यू प्रिपेयर फॉर टेस्ट, ठीक है ना, आपको ये क्या करेगा, हेल्प करेगा टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट रखेंगे। चलो जल्दी से एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ये आपका पैसेज है, ठीक है ना, पैसेज है आप लोगों के पास में, ये पैसेज देखते हैं। पैसेज कहना क्या जा रहा है, देखो पैसेज कह रहा है भाई, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स, राइट देम इन द नोट्स फॉर्म यूजिंग हेडलाइन, हेडिंग्स एंड पॉइंट्स, ठीक है ना। आपको क्या करना है, हेडिंग्स यूज करनी है और आपके पास में पॉइंट्स यूज करने हैं आपको, ठीक है। चलिए रीड करते हैं, दे फटाफट से रीड करना है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग रीड करने में, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होगा ना हमारे पास में, ठीक है।
देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मुझे एक पॉइंट मिला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना, दे आर डिवाइडेड इन टू थ्री मेन क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वे आर प्लेड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सम इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड ब्लोइंग एयर, ठीक है, दीज आर कॉल्ड विंड इंस्ट्रूमेंट, ओके, इन सम ऑफ दीज द एयर इज मेड टू वाइब्रेट इन साइड अ वुडन ट्यूब एंड दीज आर सेड टू बी द वुड विंड फैमिली, ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ दिस फैमिली आर फ्लूट, ठीक है, समझ में आ गया, फ्लूट, द क्लियरनेट एंड द बेशन अदर इंस्ट्रूमेंट आर मेड ऑफ ब्रास, ओके, अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड ऑफ ब्रास, ओके, अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड ऑफ ब्रास, अदर इंस्ट्रूमेंट्स किसका बनाया है, ब्रास का बनाया है, ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है, द ट्रम्पेट एंड द हॉर्न आर द एग्जाम्पल, देयर आर ऑल्सो वेरियस अदर विंड इंस्ट्रूमेंट सच एज द माउथ ऑर्गेन एंड द बैकपिन, ओके, चले, सम इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड बाय द बैंगिंग एंड स्ट्राइकिंग रैम, ओके, वन ऑब्वियस एग्जाम्पल ऑफ द ड्रम ऑफ विच देयर आर वेरियस काइंड इंस्ट्रूमेंट लाइक आर द कॉल्ड परशियस इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, परशियस इंस्ट्रूमेंट्स, द लास्ट बिग ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स वन विच हैव स्ट्रिंग्स, ओके, देयर आर टू मैन काइंड ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिक इज मेड बाय द प्लकिंग ऑफ द स्ट्रिंग एंड दोज वेयर द प्लेयर ड्रॉ अ बो अक्रॉस द स्ट्रिंग, ओके, स्ट्रिंग्स, एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मर आर द हार्प एंड द गीतार एंड दैट ऑफ द लेटर आर द वायलिन एंड द पियानो या सेलो, ठीक है, चले, इतनी बातें समझ में आया आपको, सारा जब पैसेज आप लोगों ने पढ़ा, ये सारा जब आप लोगों ने पैसेज पढ़ा तो आपको क्या समझ में आया कि यहां पर बात की जा रही है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, किसके बारे में बात की जा रही है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात की जा रही है, जिसे बताया गया कि थ्री मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, थ्री मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है, कैसे किया गया है, बजाने के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे कुछ आपने देखा होगा, कुछ क्या होते हैं, हवा, जैसे हम लोग बांसुरी बजाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम हवा डालते हैं तब वो बजता है, कुछ को हम लोग ऐसे पीटते हैं तब बजता है, ठीक है, गिटार को हम लोग ऐसे हाथ से करते हैं, ठीक है, वो उस टाइप से बजता है, तो सबके अलग अलग कैटेगरीज है, तो आपको ये पता चल गया, ठीक है, यही आपका पैसेज था, ठीक है, चलिए अब देखो आपका टाइटल क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, समझ में आ गई बात, सब टाइटल क्या हो जाएगा, काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मैंने आपको बताया था ना भाई कि तीन कैटेगरी में आपका जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड है, देखो सम इंस्ट्रूमेंट्स आर, देखो डिवाइडेड इन थ्री मेन क्लासेस, ओके, वो डिवाइड था आपका, क्या था टाइटल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्लियर, चलिए अब हम लोग नोट्स बनाना स्टार्ट करें, मेरा काम आपको टाइटल सब टाइटल बताना नहीं था, मेरा काम है आप लोगों को नोट्स बनाना बताना, ठीक है, देखो पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, मैंने टाइटल हेडिंग लिख दिया, उसके बाद मैं लिखूंगा मेन हेडिंग, ठीक है ना, चलिए तो मैंने पहला पॉइंट डाल के लिखा काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लिख दिया, ठीक है, काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि काइंड मतलब होता है उसके प्रकार, तो आपको पता है कौन कौन से थे भाई, पहला था विंड इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा था परशियस इंस्ट्रूमेंट्स, तीसरा था स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मैंने आपको यहाँ पर बहुत बार अंडरलाइन भी कराया है, इधर देखो ये मैंने आपको फर्स्ट बताया था ब्लोइंग एयर वाला जिसे हम लोग विंड इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, फिर इसके बाद में हम लोगों ने क्या किया था, परशियस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात किया था, इधर देखो ये वाला, ठीक है ना, तो जो तीनों आपके पास में अलग अलग सेंटेंसेस है वो तीनों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक, इसके बाद में हम लोगों ने स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और बातें बता दिया, क्या बता दिया, 1.3.1 में हमने बताया मेड बाय द प्लकिंग द स्ट्रिंग, ठीक है ना, देखो आपने पहला पॉइंट लिया काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसके भी सब पॉइंट्स लिए आप लोगों ने, यानी कि सब पॉइंट्स बना रहे हो आप लोग, पहला बनाया आपने विंड इंस्ट्रूमेंट, दूसरा बनाया परशियस इंस्ट्रूमेंट्स, परशियस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना, फिर आपने बताया स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना, उसके बाद में आपने 1.3.1 में बताया, फिर से यहाँ पर 2 कर लेना इसे, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है इसलिए 2 आ जाएगा, ठीक है, ये क्योंकि 1 पॉइंट का थर्ड वाला जो पॉइंट है उसी का हम लोगों ने और एक सब पॉइंट लेके आया सेकेंड वाला, द प्लेयर ड्रॉज अ बो अक्रॉस द स्ट्रिंग्स, ओके, चलिए इसके बाद में हम लोग बता रहे हैं सेकेंड
सेकेंड पॉइंट, ठीक है ना। सेकेंड के भी सब पॉइंट्स बनाएंगे, हाउ टू प्ले इट, अब हम ऐसे ही बता सकते हैं हाउ टू प्ले इट, इनको बजाते कैसे हैं भाई, देखो ठीक है ना। इसका 2.1 मैंने बताया, बाय ब्लोइंग एयर, किसके द्वारा, ब्लोइंग एयर के द्वारा, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने दूसरा बताया इसका सेकेंड पॉइंट, बाय बैंगिंग एंड द स्ट्राइकिंग, ठीक है, ऐसे पीटने से, ठीक। तो ये हम लोगों ने बता दिया, ठीक। तो हम लोगों ने ऐसे इतना ही बताओगे ना, अगर आप 2 पॉइंट बताओगे और उनके सभी के सब पॉइंट में अगर 2-2 लिख दोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा, पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं समरी पार्ट। समरी पार्ट कैसे बनेगा, देखो समरी ने जितने भी नोट्स बनाया है इसको आप समराइज कर दो, यानी कि एक जगह इकट्ठा कर दो। मैंने आपको बताया ना, जैसे आपके पास में क्या है, अलग अलग क्वाइंस है, इसको आप एक बॉक्स के अंदर अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से बना दो और छोटे से बॉक्स में अरेंज कर दो, बस आपका काम हो गया समरी का, ठीक है। चलो, देर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, वही बात बता दी पहले पॉइंट से, ठीक है ना। देर आर डिवाइड इनटू 3 मेन क्लासेस, विंड इंस्ट्रूमेंट, पर्सियस इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, हाउ टू प्ले इट, ठीक है। पर्सियस इंस्ट्रूमेंट्स हो गया आपके पास में, अब इनको बजाते कैसे वही बता दो, बाय ब्लोइंग एयर, बैंगिंग, स्ट्राइकिंग, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, बाय द प्लकिंग द स्ट्रिंग्स एंड द बैंगिंग और द स्ट्राइकिंग, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसका समरी बना दिया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये समरी पार्ट भी समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए अभी मैं आपको और भी पैसेजेस है मेरे पास में, उसको मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बना करके बताऊंगा कि इसे बनाना कैसा होता है और इन्हें नोट्स कैसे बनाते हैं, इसको समराइज कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग देखो, आपको ये फॉर्मेट मेन याद रखना है, अगर आपको फॉर्मेट याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर्मेट अगर पता चल जाता है तो आप कोई भी नोट मेकिंग आए बहुत इजीली उसे बना लोगे, ठीक है। चलिए सो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा, और जल्दी से मुझे एक कमेंट कर देना कि समझ में आया है या नहीं। अगर नहीं आया होगा तो और भी न्यू टेक्निक जो होगी मेरे पास में, मैं उस तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर ये फॉर्मेट एक बार लिख लेते हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो मैं आप लोगों को बहुत जल्द मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।